स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट। देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी संख्याओं का मल्टीपल अर्थात गुणा करना 25 के साथ। देखिए, हमने 25 का नियम सीखा या सीखने जा रहे हैं। देखिए, 25 का नियम, किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना सीखना है। हमने इसे तीन टाइप में बांटा है। देखिए, हमने इसे तीन टाइप में बांटा है। टाइप वन ये है, टाइप टू और ये है आपका टाइप थ्री। ठीक है, टाइप वन देखिए, हम टाइप वन देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। टाइप वन ये है, आपने अगर एक क्वेश्चन या एग्जांपल दिया 44 × 25, क्या आप इसका उत्तर मौखिक बता सकते हैं क्या? आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या का 25 के साथ गुणा करने पे मौखिक उत्तर क्या आता है। चलिए देखते हैं। अगर अगर इसमें 4/4 का मल्टीप्लाई कर दूं या 4/4 का गुणा कर दूं तो क्या इस संख्या में असर पड़ेगा? नहीं, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4 को हटाया और ये 4 को इधर नीचे रख दिया। ठीक है, चाहे तो आप भाग दीजिए तो ये आता आपका 11 और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 100 और आप ऐसे करके आंसर लिख देते, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करने का रूप देखिए कैसे मॉडिफाई करना। हमने ये एग्जांपल लिखा, फिर से ये लिखा 44 × 25। ठीक है, बोला यही 4/4 है, मल्टीपल कर रहे हैं। अगर ये 4 को हमने इस तरीके से यहाँ ऐसे लिख दिया तो क्या कोई गर्ज है? नहीं। इसका अर्थ क्या है? अभी भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा। इसका अर्थ है 2 से काटिएगा 22, फिर 2 से काटिएगा 11। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि किसी भी संख्या का, दी गई संख्या का आधा और आधा करना अगर संभव है या सरल है या मौखिक आप कर ले रहे हैं तो उसमें 2 जीरो चिपका के आप उत्तर बता सकते हैं। देखिए, 2 से काटिएगा 22, फिर 2 से आधा करिएगा तो 11 और 2 जीरो लगाइए। कहने का अर्थ है ये हुआ बेसिक कि हमने 4/4 से मल्टीपल कर रहे हैं। उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि हम किसी भी संख्या को आधा और आधा करना में सक्षम है, बल्कि 4 से भाग देने के बजाय। देखिए, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए। देखिए, अगर हमने बोला 24 में 25 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये आपको मौखिक करना है। देखिए, हमने बोला इसका आधा कितना होगा? 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। 6 × 12 = 24, अर्थात 6 आ जाएगा। 2 बार आधा आधा करना, हमेशा याद रखिए आपको 2 बार आधा करना है। तो 24 का आधा कितना होगा? 12। 12 का आधा 6 और 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपके प्रश्न का उत्तर होंगे। या 4 से भी भाग लगा सकते हैं, 4 से भाग लगाइए तो 6 और 2 जीरो। 2 जीरो कहाँ से निर्माण हो रहा है? जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है और जो 4 यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप ये समझिए किसी भी संख्या का आधा और आधा करना ज्यादा सरल है। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। टाइप वन हम देख रहे हैं। देखिए, ये है आपका 36 × 25। आपको बताना है क्या होगा। ये है 32 × 25, ये है 64 × 25, ठीक है, ये है 60 × 25, ये है 28 × 25 और ये है, और लिख लेते हैं एग्जांपल, और देखिए 92 × 25। टाइप वन देखिए, 36 का आधा कितना होगा बताइए? 18 का आधा 9, 9 × 18, 18 × 36, तो ये हो गया 9 और 0 लगाए, ये आपका उत्तर। ठीक है, 32 का आधा क्या होता है? 16। 16 का आधा क्या होता है? 8। 8 × 16, 16 × 32, 8 है और 2 जीरो लगाए, ये आपका आंसर।
आधा और आधा सरल है, जबकि चार से विभाग देखिए, चार से विभाग देना ही उतना ही पड़ रहा है। चार से देखिए तो नौ, चार से देखिए तो आठ, या इसको भी देखिए चार से कटना है तो चार से, अब थोड़ा सा मेरे को हार्ड लग रहा है, या मैं ये बोल दूँ कि आधा करना ज़्यादा ईजी लग रहा है। कितना लग रहा है, 32 दूनी 64, और 32 का आधा कितना होता, 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 2 0, ठीक है। इधर देखिए इसका आधा कितना होगा 30, 30 का आधा कितना होगा 15, और ये 2 0, ठीक है। 28 का आधा कितना होगा 14, 14 का आधा कितना होगा 7, और 2 0 लगा दिए, ठीक है। अब इसका देखिए आधा कितना होता है, देखिए 48 नहीं होगा, 2 चौको 8, 2 छिंग 12, आधा दिए 46, 46 का आधा कितना होगा 23, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, और 2 0 लगा दिए, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको यह देखना है कि किसी भी संख्या का आधा और आधा करना कितना सरल है, और आपको 2 0 लगा के उत्तर बता देना है। चलिए अब आप कुछ कैलकुलेशन लिखेंगे और स्वयं से करने का प्रयास करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप टू कैसे करना है, आइए देखते हैं। आपने टाइप वन देखा कि किसी भी संख्या का आधा और आधा करना सरल है, उसमें फिर 2 0 लगा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, मौखिक भी कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए टाइप टू, देखिए टाइप टू है, टाइप टू को देखिए एक एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे। 29 × 25, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमें 29 में 25 का गुना करना, देखिए 29 का आधा और उसका भी आधा करना थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, दो रूप देखिए, अगर हमने लिखा यहाँ पे 30 × 25, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 28 × 25। अब आपको ये देखना है कि आपको संख्या को कम करना है, जैसे हमने ये संख्या को इधर कम किया 28 लिखा, ये संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। टाइप टू में हम सीखेंगे कि संख्या को कम करना है। अब देखिए 30 का आधा 15, 15 का आधा करने में थोड़ा सा हार्ड चलेगा, क्यों, पॉइंट में आ जाएगा, तो हमने बोला इसको भूल जाइए, इस पर फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि आधा करने में थोड़ा सा हार्ड गया। हम टाइप वन के रूप में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं कि टाइप वन बन जाए। देखिए 28, 28 का आधा कितना होता है 14, 14 का आधा कितना होता है 7, और ये 0। आपका उत्तर अगर ये होता 28 × 25 तो आपका आंसर हो जाता 700, परंतु देखिए आपका क्वेश्चन था 29, आपने संख्या को कम किया है, तो आपने संख्या को कम किया इसीलिए आपका उत्तर भी कम आ रहा है, जबकि आपको किसी भी संख्या में अगर हमने बोला 4 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 8 आता, अगर हमने 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा, आपको करना तो 4 से गुना, आपने कर दिया 3 से, तो मेरा उत्तर क्या हो रहा, कम प्राप्त हो रहा, और जबकि हमको मिला था बड़ी संख्या में गुना करना, तो मेरा उत्तर थोड़ा सा बढ़ के आना चाहिए था, आपका उत्तर कम आ रहा, क्यों, हमने संख्या छोटी कर दी। यहाँ देखिए संख्या हमने ये छोटी कर दी है ना, यहाँ पे भी देखिए हमने संख्या छोटी कर दी, कितने कम की है, 1 कम की, यहाँ पे भी देखिए 1 कम की है। अब आपको ये याद रखना है कि 1 की कमी होने पे आपको 25 बढ़ाना है, या 2 की कमी होने पे 50 बढ़ाना है, या 3 की कमी होने पे 75 बढ़ाना है, इस तरीके से ये श्रृंखला चलती जाएगी। आपका उत्तर कम आया है, क्यों, आपने कम संख्या से गुणा किया, आपका प्रश्न बड़ा था आपका उत्तर भी बड़ा आता, मतलब ये संख्या हमें कम प्राप्त हुई है, उसमें कुछ बढ़ा के ऐड करना है, तो आपका उत्तर बड़ा आएगा। तो आपने देखिए कितना कम किया, 1, 1 की कमी होता 25 बढ़ाना पड़ेगा, और ये आपका उत्तर हो गया 725। आपको यह देखना है कि उसके आगे वाली संख्या लेना है या उसकी पीछे वाली संख्या लेना है, परंतु टाइप टू में क्या है, हम उससे पीछे वाली संख्या लेते हैं। आइए और एक दो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए देखिए जैसे एक एग्जांपल लिखा है 37 × 25, ठीक है, 38 का आधा, अगर देखिए इससे आप बड़ी संख्या लेते तो 38 × 25 करते, और अगर इससे छोटी संख्या लेते तो टाइप टू बनेगा, जैसे कि हम टाइप टू सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 36 होगा, ठीक है, इधर 19 होता, 19 का आधा करने में हार्ड पड़ता, तो ये हम लेंगे, ठीक है, टाइप टू हम सीख रहे हैं, तो मतलब छोटी संख्या करना है, किसी भी चीज़ की छोटी संख्या करना है। देखिए 37 में आपको 25 का गुना करना है, हमने बोला अगर 36 में 25 का गुना होता तो कितना ईजी हो जाता है, इसका आधा होता 18, 18 का आधा होता 9, और ये आपका उत्तर हो जाता है।
अगर 36 × 25 होता तो इसका कितना होता, 18 × 36 होता और उसका भी आधा 9 होता है। अगर 9 × 18 = 36, मतलब आधा और आधा करना सिंपल है, कितनी बार आधा करना, 2 बार करना, तो आपका उत्तर ये होता। परंतु आपने क्या कर दिया, एक मतलब एक की कमी कर दी, आपको गुना करना था 37 × 25, आपने 36 × 25 कर दिया, मतलब एक की कमी कर दी। ये देखिए ये संख्या थी, आपने ये 36 कर दिया, मतलब एक संख्या एक की कमी कर दी, वो एक के कारण क्या हुआ, आपको उत्तर छोटा प्राप्त हुआ, आपका उत्तर ओरिजिनल में बड़ा प्राप्त होता। आपने एक की कमी की, एक की कमी करने पर आपको 25 के साथ कार्य करना है, मतलब 25 बढ़ेगा तो 25 से ऐड कर दीजिए, 925 इसका सही आंसर होगा। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, टाइप टू सीखने का प्रयास करते हैं अच्छे से। देखिए आपको ये देखना है कि आप कितने की कमी कर रहे हैं, अगर कमी कर रहे हैं तो आपको 25, 50, 75 इस तरीके से संख्या बढ़ा ली। देखिए 13 में हमें 25 का गुणा करना है, ठीक है, 13 से एक संख्या कम लेते हैं कि अगर आधा करने में पॉसिबल हो जाए, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो आपका आंसर होता है 300। ये तो टाइप वन है, टाइप वन जो आप सीख चुके हैं इसका आंसर आप बोलते हैं कि 300 होगा। परंतु आपने ये देखा कि आपने संख्या कम की है, आपको क्वेश्चन था 13 × 25, आपने किया है 12 × 25, मतलब एक की कमी की है, तो मतलब आपका उत्तर थोड़ा कम प्राप्त होगा। एक की कमी की है तो आपको क्या ऐड करना है, 25, कमी कर रहे हो तो आपको बढ़ाना है, तो 25 बढ़ा दीजिए, 325 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं क्या हम मौखिक करने में सक्षम है क्या। आइए देखिए, देखिए अब डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। 17 × 25 देखते हैं, 49 × 25 देखेंगे और हम देख लेंगे 73 × 25 देखेंगे, ठीक है। आप अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन लिखिए और देखिए प्रयास कीजिए कैसे करना है सॉल्व। देखिए इस 17 का आधा करना हार्ड है, क्यों, विषम संख्या, देखिए सब में विषम है, विषम संख्या का आधा करने में पॉजिटिव उत्तर आता, तो आपने क्या करना सीखा कि आप या तो उससे कम चले जाइए या तो उससे अधिक चले जाइए। टाइप थ्री में हम अधिक जाना सीखेंगे, टाइप टू में हम कम जाना सीख रहे हैं, क्योंकि कम जाने पर अगर आधा और आधा करना सरल है तो आपका उत्तर जल्दी आ जाएगा। देखिए इसका क्या होता, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और 2 जीरो चिपकाते, अगर 16 में 25 का गुणा करते तो आपको उत्तर 400 प्राप्त होता। परंतु क्या है, आपका क्वेश्चन 17 × 25 था, 17 × 25 था, मतलब आपने एक की कमी की है, मतलब आंसर आपको घट के प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, एक की कमी की है तो एक बढ़ा दीजिए, एक का मतलब क्या होता है 25, तो ये इसका आंसर हो जाता 425। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। देखिए 49 को 25 में मल्टीपल करना है, अगर हमने बोला विषम संख्या में पॉइंटर में जाएगा, अगर हमने बोला अगर यही संख्या 48 होती, 48 होती तो 28 आता, अगर यह संख्या देखिए 48 × 25 होती तो क्या होता, इसका आधा करते तो कितना हो जाता 24, और 24 का आधा और करते तो कितना हो जाता 12, मतलब आपका उत्तर यहाँ पे 1200 प्राप्त होता अगर क्वेश्चन होता 48 × 25। परंतु आपने देखिए कितना एक की कमी की है, तो आपका उत्तर बढ़ के प्राप्त होना चाहिए था, आपने कम से गुना किया तो आपका उत्तर कम प्राप्त हो रहा, अगर 49 में 25 को करते तो आंसर थोड़ा सा बढ़ के आता, एक की कमी की है तो उस एक की कमी ये आपका 25 भरपाई करेगा, एक का मतलब 25, 2 का मतलब 50, 3 का मतलब 75, इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। परंतु आपको एक कम या एक अधिक करके ही उत्तर मौके का आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1225, ठीक है। देखिए 73 का 25 से गुणा करते तो आप पॉइंटर में जाते हैं, अगर हमने बोला 72 होता तो कितना इजी होता, 72 × 25 होता, मौके करना है तो कितना हो जाता 36, 36 का आधा कितना हो जाता 1800 आपका उत्तर होता। परंतु आपने क्या किया, कमी की है, 73 से 72 की एक की कमी, एक की कमी की है तो एक बढ़ाना है, तो वह एक किसके बराबर होता, आपका 25 के साथ होता, तो 1825 आपका सही आंसर हो जाता, ठीक है। आपको यह देखना है कि कोई भी संख्या को पीछे, एक संख्या पीछे करने पे मल्टीपल उसका आधा और आधा करना सरल है, या उसको एक बढ़ाकर आधा और आधा करना सरल है। आपने टाइप टू सीख लिया, अब कुछ एग्जांपल अपने से लिख के कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा मौखिक। ये तो मैं समझाने के दृष्टिकोण से इतना लिख रहा हूँ, अगर मौखिक करना रहेगा तो और इजी तरीके से हम आधा और आधा करके मौखिक निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 25 जोड़ने पे कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं हर्ज है,
क्योंकि पीछे आपके डबल जीरो टाइप डबल जीरो आ रहा है, तो उसमें कभी भी आप 25 ऐड कीजिएगा तो आपको पता है कि पीछे तो 25 आना ही है और आगे कितनी भी संख्या हो वो आ जाएगी। ठीक है, अगर यही घटाना होता 25 तो और इजी हो जाता, 75 लिख देते और आगे उस जो भी संख्या उससे एक माइनस कर देते। आइए टाइप थ्री में देखते हैं, जिसमें हम बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। टाइप थ्री देखिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने बोला 29 × 25 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखिए ये एक एग्जाम्पल 29 × 25। अगर इसको टाइप टू की तरह देखते तो 18 18 का आधा 9 9 का आधा पॉइंटों में चले जाता, आपको दिक्कत होती। अब क्या करने जा रहे हैं टाइप थ्री में, हम संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए अगर ये संख्या 20 × 25 होती तो आप बता देते क्या हो जाता, 500 हो जाता। 20 का आधा था, 10 का आधा 5 और 2 जीरो लगा दिए, परंतु आपने क्या किया, संख्या को बढ़ाया 19 से 20 किया, मतलब आपने संख्या को बढ़ाया, मतलब आपका उत्तर बढ़ के प्राप्त हुआ। आपको गुणा करना था कम से, आपने कर दिया ज्यादा से, तो आपको उत्तर बढ़ गया, तो आपको कमी करनी पड़ेगी। देखिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, आपने एक बढ़ाया तो एक की कमी करनी पड़ेगी, तो एक किसके बराबर होता है 25 से, घटा दीजिए ये हो गया 75। इजी है, दो संख्याओं में से देखिए दो जीरो में से आपने 25 घटाया तो 75, एक इधर से चले जाएगा। अच्छा आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए इधर देखिए लेते हैं 27 × 25। ठीक है, इजी से समझते जाइए कैसे करना है। एक एग्जांपल और ले लेंगे यहाँ पे, सही नंबर 23 × 25। ठीक है, देखिए 27 का आधा और आधा करना सरल है, 26 करके आधा करते जो 13 आता, उसके बाद और आधा करते पॉइंटों में चले जाता। अगर हम इसको 28 करते, बढ़ा देना है 28 × 25 होता तो क्या होता, 28 का आधा कितना होता 14, उसका भी आधा 7, तो आपका उत्तर हो जाता 700। अगर यह प्रश्न ऐसा रहता 28 में 25 का गुणा करना है तो आपको उत्तर होता 700, परंतु आपने क्या किया, आपने अपनी संख्या को बढ़ाया है, लेकिन 27 का 28 दिया है, मतलब आपका उत्तर बढ़ा हुआ था आपको, तो आपको क्या करना है, एक मतलब बढ़ाया तो कमी करना है, कमी करिए, एक का था 25 तो घटा दीजिए 675। मौखिक भी कर सकते, देखिए 23 है, 23 का अगर एक आगे जाएंगे 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 12 का आधा 600, 6 लिख के डबल जीरो लगाएंगे, मतलब अगर 24 होता तो आपका उत्तर 600 आता, परंतु आपने क्या किया, बढ़ाया 24 से 25 का मल्टीप्लाई किया, तो आपका 24 से 25 का मल्टीप्लाई किया तो उत्तर आ रहा है 600। देखिए कैसे, ये 24 है, आपने 25 का मल्टीप्लाई किया है, तो 24 का आधा 12 12 का आधा 600 आपका उत्तर होता, परंतु आपने बढ़ाया, देखिए 23 से 24 किया, मतलब एक बढ़ाया तो एक की कमी करना, एक बराबर कितना होता 25। याद रखना है कि आपको एक की कमी कर रहे हैं तो आपको 25 के साथ कार्य करना है, तो 25 का कमी करेंगे यह हो जाएगा 575। आइए कुछ मौखिक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं मौखिक, अब कैसे करना है। अब आप लोग को स्वयं से सॉल्व करना, बहुत सारे कैलकुलेशन आते हैं 25 के साथ एग्जाम में, परंतु हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। देखिए 39 में 25 का मल्टीप्लाई करना है और 43 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए 39 में 25 का मल्टीप्लाई करना है, इसका आधा और आधा करना सरल नहीं है, तो हमने बोला अगर 40 होता, अगर होता होता तो कितना इजी हो जाता, इसका आधा 20, 20 का आधा 10 और 2 जीरो लगा देते, परंतु आपने क्या किया है 39 से 40 किया, मतलब एक बढ़ाया, आपका उत्तर बढ़ के प्राप्त होगा, आपको कम प्राप्त करना है, आपका उत्तर कम होगा, तो एक की कमी कर दीजिए कितना हो जाएगा 975 आपका आंसर हो जाएगा। इधर देखिए इसका आधा करना ईजी नहीं है, बढ़ा दीजिए संख्या को 44 × 25, इसका आधा कितना 22 का आधा 1100 होता, परंतु आपने एक बढ़ाया, एक की कमी कर दी है, क्या दिक्कत है, ये हो जाता 75, ये हो जाता 0, ये हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप सीख चुके हैं कि 25 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो बने रहिए, फिर मुलाकात होगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।